गोरखपुर। आई एम द वुमेन फाउंडेशन द्वारा दिनांक 15 जून 2024 को गोरखनाथ रोड स्थित रेगलिया बैंक्वेट व रिसोर्ट में सायं 6:30 से शक्ति मिसेज इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले आयोजित होगा। इस आयोजन में गोरखपुर व देश के अन्य शहरों से व शादीशुदा महिलाएं प्रतिभाग कर रही है जो मिसेज इंडिया के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती है। ऐसी प्रतिभागी महिलाओं के लिए संस्था के तरफ से ग्रूमिंग क्लासेस का आयोजन दिनांक 11 जून 2024 से 14 जून 2024 तक किया गया है, जिसमें सभी प्रतिभागी महिलाओं को शक्ति मिसेज इंडिया 2024 प्रतियोगिता के लिए ग्रूम किया गया है। उपरोक्त जानकारी पूर्ण अदा मिसेज इंडिया 2017 मिसेज इंटरनेशनल दीवा क्वीन दुबई 2019 व संस्था की अध्यक्ष श्रीमती कंचन सोनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। प्रतियोगिता के 3 राउंड के अंत में जूरी मेंबर्स के द्वारा शक्ति मिसेज इंडिया क्लासिक 2024 में से तीन विनर फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप चुने जाएंगे, जिनका सेलिब्रिटी गेस्ट व संस्था के अध्यक्ष द्वारा शक्ति मिसेज इंडिया क्लासिक 2024 का क्राउन सेस व विनर मोमेंटो द्वारा सुशोभित किया जाएगा। ग्रैंड फिनाले में फेमस बॉलीवुड टीवी सेलिब्रिटी भूमिका गुरुंग, निमकी मुखिया सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में चर्चित महिला यूट्यूबर कामिनी अजीत सिंह और शांति तिवारी होगी। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैम, आज कैसा कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में आप बताएं। जी, मैं कंचन सोनी, आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन से शक्ति मिसेज इंडिया एंड शक्ति मिसेज इंडिया क्लासिक का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसका ट्रेनिंग 11 तारीख से ही होटल रिगालिया रिसोर्ट में चल रहा है, जिसका फिनाले कल 15 जून को शाम 6 बजे से होटल रिगालिया रिसोर्ट में भव्य आयोजन उसका है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड से एक्ट्रेस निमकी मुखिया, भूमिका गुरुंग जी आ रही हैं और 2 फेमस यूट्यूबर कामनी अजीत सिंह एंड गांव की शांति आ रही हैं हमारे हौसला को अफजाई करने के लिए। थैंक यू सो मच सभी बोर्ड मेंबर्स का एंड सभी कंटेस्टेंट्स का जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। और बाहर आप ये भी सोचिए एक बार कि हमारी जो कंटेस्टेंट हैं वो बहुत ही बाहर से आई हुई हैं, कोई पीपीगंज से है, कोई देवरिया से है, कोई कुशीनगर से है, कोई बिहार से है। तो मैं ये आयोजन उन महिलाओं के लिए कर रही हूँ जो अपने सपने को साकार नहीं कर पाती, अपने पंखों को उड़ान नहीं दे पाती है। इसलिए मैं उन सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज घर से निकलिए और हमारी संस्था से जुड़कर अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच। जो कल आपका फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है मिस एंड मिसेस इंडिया 2024, वो किस तरह का प्रोग्राम है? मैं आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की सचिव रमा पांडे बोल रही हूँ और ये मिस इंडिया का प्रोग्राम हम लोग इसीलिए कहे गोरखपुर में पहली बार हो रहा है, जो कि कंचन सोनी करवा रही है और ये शक्ति फाउंडेशन तरफ से हो रहा है, हम लोग की संस्था की तरफ से हो रहा है। हम लोग इसीलिए इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं कि जो लेडीजें घर में बैठ के बाहर नहीं निकल पाती हैं और अपने कला को छुपाती हैं, और इसीलिए उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम मिसेज इंडिया का करवा रहे हैं, जो गोरखपुर में पहली बार हो रहा है और जिसका फिनाले 15 जून को कल होने वाला है। और जो जैसा करेगा उसके सामने उसका विनर चुना जाएगा। कहाँ कहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं इसमें? इसमें देवरिया के, कुशीनगर के, पीपीगंज के, गोरखपुर के, बिहार के। ये 11 तारीख से स्क्रीनिंग चल रही थी। हाँ। तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे आपके यहाँ जिनको स्क्रीन कर करके आप फिनाले तक लेकर के आई हैं? 20 लोग। बीस लोग हाँ।
कल 20 लोगों का फाइनल होना है और चीफ गेस्ट कौन आ रहा है फाइनल? 16 है अभी, 16 हाँ, जिसके छोटे बच्चे हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम में है तो नहीं आ पा रही है। तो मिस और मिसेस इंडिया दोनों आप कर रही हैं? हाँ, सिर्फ मिसेस इंडिया। हाँ, अभी पूरी मतलब हाउस वाइफ ही है। अच्छा, कौन चीफ गेस्ट आ रहा है, जजेस कौन है आपके कल के प्रोग्राम के? चीफ गेस्ट हमारी सत्या पांडे मैम जी हैं और गोरखपुर से, और एक बिहार की आ रही हैं और एक नोएडा की आ रही हैं। निमकी मुखिया का नाम आ रहा है कुछ? हाँ, निमकी मुखिया को भी चीफ गेस्ट में ही बुलाया जा रहा है। वो आ रही हैं कल? हाँ, कल आ रही हैं 3 बजे। चलिए, ठीक, बहुत धन्यवाद।